हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 5% की ग्रोथ बताइए और 168 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसी के सामने अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 32% से इंक्रीज हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो क्वार्टरली वाइज कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। रेवेन्यू अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, मतलब पिछले दिसंबर से क्वार्टर कंपेयर करें, ये दिसंबर का क्वार्टर, तो रेवेन्यू 20% से इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट उसी के सामने 350% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आए हैं, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइव ईयर हाई, तो 747.90 रुपीज़ का, बट करंटली 652 में ट्रेड कर रहा है और 5.58% डाउन था। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा गिर गया एक ही दिन में इतनी गिरावट, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो आपको ये शेयर अच्छा खासा ऊपर जाते हुए देख सकता है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है और अगर आपको अपने रडार पर रखना हो, क्योंकि ट्रेड लेना तो आप इसे अपने रडार पर रख सकते हो। आई होप कि आपको बोरोसिल रिन्यूएबल के नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।